तो आप आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो? सीतागंज। आप कब से बस में ट्रैवल कर रहे हैं? 40 साल हो गया। 40 साल हो गया, तो उस समय से और अभी में अंतर क्या आया बस में? अभी गर्दी ज़्यादा है। जहाँ पे ज़्यादा गर्दी ना वहाँ पे कम बेस्ट लगाए उन्होंने, और जहाँ पे कम गर्दी है वहाँ पे बेस्ट तो ज़्यादा ही चलती है। ऐसा क्यों किया है वो लोगों ने? अभी वो बेस्ट वालों को ही पूछना पड़ेगा ना उनको। चीता कैंप से कहाँ जाते हो? मैं वर्ली जाता हूँ। वर्ली तक जाते हैं रोज? रोज। उधर काम करते हैं आप? काम। क्या काम करते हैं? मैं पब्लिकेशन में काम करता हूँ। पब्लिकेशन? कौन से पब्लिकेशन? कलर पब्लिकेशन। कलर, इसमें क्या न्यूज़पेपर है? न्यूज़पेपर नहीं, मंथली मैगजीन। वो बोल रहे हैं कि बस लॉस में जा रहा है, हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? प्राइवेट करने के लिए? प्राइवेट करने के लिए जरूर नहीं, ऐसा ये शेड बनाया ना, एक एक बाजी में दो दो बना के रखे, कहीं के लिए बना के रखे, ऐसा खर्चा कम कर सकता है ना। तो प्राइवेटाइज करने से क्या असर होगा? रेट क्या बोल रहे तो कानून कायदा है, बहुत कड़क होएगा, वो नहीं चलेगा। तो क्या अंतर होगा आपको? जैसे अभी जो 40 साल से आप कर रहे हैं ये पब्लिक है, अचानक से प्राइवेट हो जाएगा तो आपको क्या अंतर पड़ेगा? आपको दिक्कत आएगी? कैसे? आपको दिक्कत आएगी क्या? कैसे बोलने का इसके बारे में? तो प्राइवेट का बोल रहे हैं आप, तो प्राइवेट भी किया ना उन्होंने, तो मनमानी चलेगी सब वहाँ पे प्राइवेट का। तो अभी तो उन्होंने जैसे ये डिसाइड किया है कि जिस रूट में सबसे लॉस हो रहा है बेस्ट का, वो रूट ही बंद कर देंगे। तो आपको लगता है कि ऐसे प्राइवेटाइज करने का कोई हल है इससे? नहीं, हल तो नहीं निकलेगा। तो करना क्या चाहिए जिससे यात्रियों को भी अच्छा? यहाँ तो बेस्ट वालों ने अच्छी सुविधा निकालनी चाहिए, कोई नियम निकालने चाहिए और बेस्ट बढ़ानी चाहिए। और एसी बसेस भी चलती हैं इनकी? वो तो लॉस में ही जाएगी, उसका भाड़ा भी है। एसी बसेस तो लॉस में चल रही है लेकिन वो फिर भी एसी बसेस और खरीद रहे हैं? कोई मतलब नहीं एसी बस लगाने का, क्योंकि आजकल लोगों को टाइम नहीं है, उनको जो बेस्ट मिली ना वो उसमें चले चढ़ जाते, ऐसा नहीं कि वो एसी के लिए रुकेंगे। आजकल टाइम है आपको, प्राइवेट वालों के तो करोगे, वो तो करेंगे मेहनत पब्लिक के लिए, लेकिन उनकी मनमानी ना ज़्यादा चलेगी उससे। मनमानी बोले तो? जैसे भाड़ा बढ़ाना, ये उनको चाहिए जो रूट पर ज़्यादा भेजनी बस वो उस रूट पर ही ज़्यादा भेजेंगे। वैसे जहाँ पर प्रवासी है ना, जहाँ पे कम भाड़ा है वहाँ पे बेस्ट कम है, तो जो ज़्यादा डिस्टेंस है उधर वो ज़्यादा बस लगाएंगे, जहाँ पे गर्दी है वहाँ पे वो ज़्यादा भेजेंगे। और इसके लिए जब पब्लिक का जो हाल होगा ना, तो उनको ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी बेस्ट तो इसमें ही चल रही, लॉस में ही पूरी। प्राइवेट भी करना बोला हो ना, तो प्राइवेट में तो सक्सेस ही हो ही नहीं सकता। तो लॉस में चल रही है, अब हम लोग मान लें क्या? वो कह रहे हैं कि लॉस में चल रहा है। हाँ, मानना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है लॉस में चल रही है? इतने लोग बैठते तब भी क्यों? लॉस में ही चल रही है क्योंकि जहाँ पे रूट कम, जहाँ पे ज़्यादा गर्दी है ना वहाँ पे कम चलती है बसेस। कोई जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्या बेस्ट वाले? क्या किसकी बेच दे? नहीं, वो उनका इस हिसाब से चल रहे, वो कैसा कहाँ पे लगाना है वो चला रहे हैं बेस्ट वाले। ये आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे पिताजी भी ड्राइवर है। अच्छा। बस खाली भी रहती तो भी बताते कि भरी है, चल जाते हैं, बेल जो उतरना है उतरते हैं, चलते। तुमको रिपोर्ट करना पड़ता है इसको कि बस खाली गई कि भरी गई? है ना, उनके पास कंप्लेंट बुक रहता है, लेकिन पब्लिक को आजकल टाइम नहीं है तो कंप्लेंट बुक भी नहीं भर सकती। हर बस में रहता है कि डिपो में रहता है? क्या नहीं, हर डिपो में। डिपो में रहता है तो कोई भी पब्लिक चाहे तो कंप्लेंट बुक में डिपो में लिख सकते कर सकते हैं, लेकिन आपने कर भी दिया ना तो उन्होंने एक्शन लेनी चाहिए, ये उनका प्रॉब्लम है, वो नहीं दिखाते। आप बस पे ट्रेवल करते हैं, ऑटो टैक्सी पे करते हैं? ज़्यादा ज़्यादा बाहर ही नहीं जाती, तो ज़्यादा जा करके ट्रेन से ही जाती। ट्रेन से जाते हो, आज बंद है इसीलिए? हाँ, मेगा ब्लॉक है ना। अच्छा, बस पे उतर नहीं ट्रेवल करते थोड़ा? अब प्राइवेटाइज करने के बाद फिर उसका, फिर जो टिकट का जो इसका अमाउंट है, फेयर है, वो तो कितना फिर वो इंक्रीज होगा फिर वो बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के अंडर में है तो फिर जो प्राइस जो है कम है। नॉर्मल भी हम अगर ट्रैवल करते हैं तो 10 रुपीज़ में नियर बाय स्टॉप में हम लोग पहुंच जाते हैं। अभी प्राइवेट होने के बाद फिर वो कितना उसका इंक्रीज होगा, फिर वो लोगों के लिए सेव होगा, मतलब टाइम और मनी दोनों सेव होगा कि नहीं होगा वो नहीं बोल सकते। तो आपको पब्लिक और प्राइवेट में अंतर क्या नज़र आता है? पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में ये है कि गवर्नमेंट के अंदर चलती है तो हम
जो भी है उसके ऊपर कानूनी हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट है और भी चीज़ें उनके ऊपर हर एक एक्ट में लोग बैठते हैं। और प्राइवेट में यह है कि फिर वो उनकी ओन से मतलब वो भी किधर ना किधर गवर्नमेंट के अंडर में रहकर ही काम करते हैं, लेकिन इतना है कि फिर उनके डिसीजन के हिसाब से फिर वो सब चीज़ें मोस्ट चलती है। रोड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मजेस्टिक के लिए एक सेपरेट रूट तो होना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो बस भी टाइम पे आएगी, यात्रियों भी बहुत बढ़ जाएंगे, ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा उनको, और बस का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो नेचुरली सब लोग उधर ही जाएंगे। आपका नाम क्या है? मैं मंगल माला भरिया हूँ। मंगल माल, आप यहाँ अनुशक्ति नगर में? हाँ, मैं एम्प्लॉई है DAE की। कहाँ की? DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अच्छा, रहते हैं आप लोग अगरवाड़ी? अगरवाड़ी, अच्छा। ये तो बस में कब से ट्रैवल कर रहे हैं? बीस साल। और अभी आपको लगता है कि बस की सेवा में कोई दिक्कतें हैं या कुछ अच्छा करना चाहिए? फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाना चाहिए बस में, फ्रीक्वेंसी बॉम्बे में मेरे हिसाब से थोड़ी कम हो चाहिए, तो बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए। अभी आप भी बोल सकती हैं, बोलने के लिए ठीक है। आप रोज ट्रैवल करती हैं बस में? नहीं, शी इज अ हाउसवाइफ एक्चुअली। अच्छा, आपको बस में ट्रैवल करना अच्छा लगता है ट्रेन में? बस में क्यों अच्छा लगता है? तो आप लेट के जाना पड़ता है ना, ट्रेन में इतना ट्रैफिक रहता है सब। तो अभी आप कितने देर से इधर वेट कर रहे हैं? आधा घंटा। तो बस टाइम पे नहीं आती है? नहीं, टाइम पे नहीं। तो आपको अभी जैसे इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं तो भीड़ तो बहुत होगी, सीट मिलेगा? नहीं, खड़े होके जाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जू घूमने जा रहे हैं संडे? आज हॉलीडे है, तुम्हारा घर में बैठे क्या करेंगे, एंजॉय कर क्या करेंगे? तो अभी वापस आने के वक्त का लास्ट बस कब होगी उधर से? आप कब आओगे वापस? अभी हम लोग वहाँ से निकलेंगे 6 बजे वाला बस रहती है डायरेक्ट? हाँ, यही बस जो अभी 355 है ना, वहाँ से यहाँ पे। कितना घंटा लगेगा? आई थिंक 1.5 आवर। और गरीब कितने पैसे लग जाते हैं इसमें? किराया तो मुझे कोई पता नहीं, एक्चुअली पहली बार जा रहे हैं। हाँ, मतलब इतना इधर से जू पहली बार जा रहा हूँ बस में। तो कोई बोला क्या ऐसे जाने के लिए सही रहेगा, कोई सजेस्ट किया? नहीं नहीं, मेरी फैमिली बोला ट्रेन में जाओ, तो छोड़ो उतरो, और ट्रेन में भीड़ भी काफ़ी रहेगी, फैमिली को लेकर सफ़र करना थोड़ा यही है। तो बस में जैसे बस में एक बार चढ़ गए, लास्ट स्टॉप में उतर के बैठ गए, तो सही मेरे हिसाब से अभी, लेकिन अभी के हिसाब से तो BHT जो चल रहा है वो ठीक ही है मेरे हिसाब से। अच्छा, आप ओला उबेर टैक्सी ऑटो ये सब में भी सफ़र करते हैं? हाँ, करते हैं। वो पर इमरजेंसी में कभी एकदम कुछ साफ सामान हो, भारी सामान हो, ज़्यादा लेट हो गए तो ही, अदरवाइज फिर ट्रेन या फिर ज़्यादा बस से ही करते हैं। ट्रेन में अगर अकेला होगा तो मैं अकेला करता हूँ, फैमिली के साथ में रहूँगा तो फिर बस से ही। तो आपको बस बहुत मतलब सिक्योर लगता है, अगर परिवार के साथ ट्रैवल करना है तो क्या सही है? बस ही सिक्योर। बस ही सही है, क्यों ऐसा क्यों? ट्रेन में देखो, अभी ट्रेन में जाओ जाना है समझो, मुझे बैंड्रा जाना है, तो यहाँ से मुझे कुर्ला उतरना पड़ेगा, फिर कुर्ला से दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी, फिर मुझे दादर उतरना होगा, फिर दादर से ब्रिज चढ़ के जाना होगा, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़नी होगी। तो ये सब करते 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 टाइम तो भले हम लोग जल्दी पहुँचेंगे वो बात सही है, बट ये सब फैमिली को लेके चलना हो, इतनी भीड़ रहती है, रश होता है, तो एक तरीके से बेस्ट बस परिवार वालों के लिए अच्छा है। हाँ, फैमिली के साथ जाएंगे, सिक्योरिटी भी अच्छा। बस में देखो, बस में आपने इंटर कर दिया, बैठ गए, जहाँ उतरना है उतर गए। बस में तो सबसे अच्छा तो कंडक्टर और ड्राइवर ही अच्छा लगता है। हाँ, अरे बस तो अच्छी लगती ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है बस के अंदर। अच्छा, हाँ। क्या जैसे कि कभी आधे रास्ते में उनकी गाड़ी कभी पंक्चर हो जाती है, नहीं तो कुछ गड़बड़। बहुत सालों से एक ही बस चला रहे हैं इन लोग, कितने सालों से। तो बहुत सारे एसी बस ले रहे, पता नहीं किसके लिए। आप उस पर बैठते हैं क्या? एसी बस में ट्रैवल अभी तक चालू नहीं किया, लेने वाले हैं, टाटा का कुछ आया था बीच में कि चालू करने वाले हैं इसमें से लोगों का, लेकिन क्या लेने के बाद जो ट्रैवलिंग का जो चार्ज लगेगा, जो लोगों को भाड़ा पड़ेगा, वो परवड़ना चाहिए, नहीं तो मेट्रो जैसा हो जाएगा। अभी एसी चालू किया है लोकल, क्या मतलब ने उससे, उसे सारे लोग नहीं बैठ सकते? नहीं है, कुछ पकड़ के चलेंगे 2000 लोग भी मिलेंगे ने इसके अंदर मिलेंगे। तो अभी आप बेस्ट बसेस के बारे में BMC ये कह रही है कि ये लोग लॉस में कर रहे हैं, अपन पैसा भी नहीं देंगे और इसको प्राइवेटाइज कर देंगे, आपको लगता है ऐसे ठीक होगा? ये लॉस जरा भी नहीं है, अगर अंदर से हर एक कंडक्टर ड्राइवर को आप पूछेंगे तो लॉस में नहीं, पूरी बस तो भरी हुई जाती है, लॉस किधर है?
लॉस इन लोग दिखा रहे खाली, क्यों उन लोग को नया टेंडर चाहिए, नई बस लाने के नए टेंडर, सब इकोनॉमी के लिए बोलता है ना, कुछ तकलीफ नहीं है। तो जानबूझ के दिखा रहे सर? तो जानबूझ के हो रहा है सर। किसके फायदे के लिए हो रहा है? अभी अभी जो उधर टेंडर में बैठे हैं, जिसे अभी BHT चला रहे हैं, वो किसका है? महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका, उन लोग का फायदा है। अगर ये बस जाएगी तो नई बस आएंगी, नए आएंगे, नई प्रॉफिट होगा, नया पैसा आएगा, और दूसरा क्या है। तो ये आपको कैसे पता कि जैसे भीड़ हो रही है लेकिन इतने लोग फिर भी इतने देर से खड़े थे, फ्रीक्वेंसी नहीं है इधर? बस बस एक्चुअली बस से क्या हो रहा है, बस से अभी इतनी भीड़ है और दूसरे बस कभी खाली रहती नहीं है। ये तो ये लॉस जबरदस्ती दिखा रहे? लॉस दिखा रहे हैं लोगों, एक्चुअली इन लोग लॉस दिखा के खाली, जो इसमें वर्कर्स हैं उन लोगों को तकलीफ है, आपको बता रहे हैं, इन लोग का पेमेंट नहीं टाइम पे। अच्छा, ये जो बस में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आने लगे, पहले नहीं आते थे? नहीं, अभी बहुत आने लगी। तो ये पैसा किसके पास जा रहा है? अरे ये तो बेस के पास जाना चाहिए, BMC के पास जाना चाहिए, अभी तो पता नहीं इसका, तो अपना अंदर नहीं जाके कुछ किया। इसमें भी तुम्हें बहुत पैसा होगा, इतने सारा ट्यूटोरियल, एक्चुअली इसमें RTA डालेगा तो सबको मालूम पड़ेगा कि इधर क्या चालू है। तो ये काम भी आप कीजिए, आप सोशल वर्कर हैं, एक फाइल कर दीजिए RTI कि एडवर्टाइजमेंट से पैसा कितना आ रहा है। मेरा एक थोड़ा सा एक चल रहा है, कोई अगर मैं अकेला करने जाऊंगा ना तो कल मैं आपके साथ मुलाकात भी नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन माल आपको लगता है कि अकेले करना मुश्किल है, लेकिन अगर मिल के कोई कर रहा है तो आप आके सपोर्ट करेंगे? सवाल ही नहीं, करना ही चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो हम आपका नंबर ले जाएंगे, और अगर ऐसा कोई मुहिम छेड़ रहा है मिल के ग्रुप में सामुदायिक, तो हम लोग आप पक्का साथ देंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मतलब अकेले लोग कुछ कर सकते हैं इस पे कि मिलके करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए? एक्चुअली जो BST की सब बहुत सारी कमिटी है, तो उन्होंने मिलके सब ये डिसीजन लेना चाहिए कि तो पब्लिक को कुछ ज़्यादा तकलीफ ना हो, और अपना ये जो BST का रेगुलर होना चाहिए, मतलब एक एक घंटे में आधे घंटे में बस आएगा तो फिर कौन रुकेगा बस के लिए, सब लोग ऑप्शन करके शेयर टैक्सी, शेयर रिक्शा, ओला। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका जो प्लान है उसमें ये कह रहे हैं कि वो AC बसें ज़्यादा खरीद रहे हैं? नहीं, AC बस का तो कुछ भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि हमें बहुत ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि AC बस बीच में ही बंद पड़ जाता है। अभी एक बस गया, देखा आपने, उसका पीछे का ढक्कन ही ओपन था, तो मतलब ऐसा AC बस में बहुत दिक्कत होती है। उससे AC बस के बदले ज़्यादा बसें से रेगुलर बसें जो ज़्यादा लोग जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। और आप जैसे आप बॉम्बे के सिटीज़न हैं, हाँ, तो आप बोल रहे हैं प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, बढ़ सकता है दाम, लेकिन एज ए सिटीज़न आप मतलब क्या कर सकते हो कि ये जो सर्विसेज जो गड़बड़ है, लोग अगर आवाज़ उठाएंगे नहीं या कुछ करेंगे नहीं तो कैसे ठीक होगा? लोग आवाज़ इसके लिए नहीं उठाते क्योंकि पता है लोगों को ये लगता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे के बोलने से कुछ नहीं होगा ना। तो अगर मान लीजिए, धक्का खाना पड़ेगा गवर्नमेंट के। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो ना, मान लीजिए कुछ लोग मिलके बोल रहे हैं कि चलो सबको मिलके इस पर बात करते हैं और बेस्ट वालों से बोलते हैं कि ऐसे करने, तो आप आओगे क्या? हाँ तो आएंगे ना। अच्छा, क्योंकि वो जब तक यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तब तक ये कुछ होने होगा नहीं। अच्छा। अगर मैं अकेले जाके कितना भी अगर आवाज़ उठाऊँ, कितना भी बोलूँगा, तो उससे होने वाला नहीं। जब से एक से मतलब एक से दो लोग, दो से चार लोग नहीं होंगे, जब जोड़ेगे नहीं लोग, तब तक ये कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, तो प्रॉब्लम मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। मैं अगर अकेला बोल रहा तो उनको प्रॉब्लम दिखने में आएगा। ऑर्गेनाइज करना लोगों को बहुत ज़रूरी है, अब उनके हक के लिए ना। हाँ, उनके लिए हक के लिए उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, अवेयर करना पड़ेगा कि तुम्हारा ये हक है, उसके लिए उनके बारे में उनको जागरूक करना पड़ेगा, उसके बाद में ये सब हो सकता है। आप बताइए करना क्या क्या चाहिए। मान लीजिए एक मुहिम छेड़ा लोगों का बहुत परेशानी किया है। इम्पोर्टेंट और सबसे इस पे पर मूल मुद्दा क्या, लोगों का क्या तकलीफ है। अभी देखो इधर खड़े हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बच्चे लोग सुबह से इधर आए एग्ज़ाम के लिए आए, कुछ खाए पिए नहीं है। फिर बसेस का ये तकलीफ है, बसेस का कुछ तकलीफ है, सब कुछ है, इन लोग का वर्कर्स नहीं कम है। तो और लोगों की बहाली होनी चाहिए, होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए। अभी इन लोग का ही पगार नहीं दे रहा तो कहाँ से देंगे? नहीं दे रहे पगार, पगार के तो उन लोग का विचार है। कभी सुन लीजिए, कभी उनका भी मुलाकात लीजिए आप, और वो कैमरे के सामने बोलेंगे नौकरी चली जाएगी ना। अरे नौकरी क्यों, कोई कोई बोलते हैं ना, बोलता है अरे नौकरी गई तो खड्डे में पैसा चलाते चलाते बोलता है, जो बोनस दिया था उससे काटने के लगे बोला पैसा। जो बोनस इनको दिया गया उसमें से 500 रुपया काटते, ऐसा 4 दिन पहले की न्यूज़ है। मैं उनसे बात कर रहा था, बोलता है सर ऐसा ऐसा हालत है, जरूरी है अभी हर एक इंसान जागना चाहिए, अभी क्या करेंगे। पर अभी सब बॉम्बे में तो लोग भागते दौड़ते रहते, अकेले क्या करेंगे ये सोच के कोई। अच्छा, कुछ करता भी तो नहीं ना। अकेला भी कर सकता है, लेकिन क्या है, अकेले करने के लिए वो स्टेबल होना चाहिए। आपका बस कौन सा है नंबर? इधर 355। 355 किधर से किधर जाता है? अंधेरी जाता है, 7 बंदा।
होती हैं। मैं अनुशक्ति नगर में ही रहती हूँ, तो यहाँ से तो बस के लिए ही ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। संडे के दिन बहुत ही गाड़ी कम रहता है, मोस्टली संडे को तो ज़्यादा ही छोड़ना चाहिए क्योंकि संडे कम रहते हैं। तो ये ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा वो उनको नहीं पता है कि क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उनको पता है, लेकिन पब्लिक का वो सोचते हैं, ये जो संडे के दिन हॉलीडेज के दिन जो प्रेफरेंस है ज़्यादा करके BST यूज़ करते हैं। तो अभी आपको तो जैसे ये पता कि ये नहीं हो रहा है ना, क्या जो आप चाह रही हैं हाँ, वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अभी ट्रेन नहीं तो हमको कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता है। नहीं ये, ये अभी तो ये पब्लिक सर्विस है ना, आप पब्लिक हैं, तो मान लीजिए आपको कंप्लेन करना है या बोलना है सारे लोगों को मिलके कि भाई ऐसा करो नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो ये कैसे कर सकते हैं? अकेले कर सकते हैं, चार लोग मिलके कर सकते हैं? अकेले करके कुछ ये नहीं होता है ना, चार लोग रहेंगे तो ये कुछ ना कुछ ये करेंगे। मैं स्टाफ हूँ, मैं बोल नहीं सकता कहने का। अरे तो आवाज़ भी अभी मत लाइए, तब इसमें मैं कहाँ से मैं दिखाऊँ कौन बोल रहा है। देखिए हर 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 हमारा कहना वो नहीं है, आप नहीं समझे। अच्छा, हमारा कहना है कि बेस अभी चल रहा है तो बेस को भी अच्छा बना सकते हैं अपन, उसका नाम भी है बेस करके रखा है, तो बेस क्यों ना कर रहे हो, टाटा करके इसको भगा रख रहे हो।